महाराष्ट्र के समृद्धि मार्ग में जो शासन जमीन संपादन कर रही है उस संपादन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हो गया है, ऐसा मेरा दावा है। इस तहसील में गवर्नमेंट के तहसीलदार बाविस्कर ये नाम के तहसीलदार है, उन्होंने कई दलालों के साथ संगनमत किया है और जो शेत जमीन खरीद नहीं कर सकता ऐसे आदमी ने जमीन खरीदी करके शासन को फंसाया है। और दूसरी बात है कि एक आदमी ने 75 प्रॉपर्टी खरीदी की है और वो किसान नहीं होकर भी खरीदी की है और वो ये खरीदी करना गैर कानूनी है, उसकी 8 शर्ती है, उसने 8 शर्ती का पालन किया नहीं और ज़्यादा उसका मुबदला मिलने के लिए उसके ही परिवार के कई लोगों ने 11 LLP रजिस्टर करके ये जमीन की खरीदी की और वो जमीन फिर से समृद्धि मार्ग के अधिकारियों ने खरीद ली है। उसका रिटर्न्स जो किसानों को मिलना चाहिए था वो दलालों को मिला है। इससे मुझे डाउट है कि इसमें गवर्नमेंट की मशीनरी शामिल होने के सिवा ये ऐसा गैर कानूनी बातें नहीं हो सकती। उसका नाम है राधेश्याम अग्रवाल, वो शाहपुर के रहवासी है और उसने 75 प्रॉपर्टी वो किसान नहीं होकर भी खरीदी की है और वो भी नोटिफिकेशन के बाद। सरकार का कानून है कि नोटिफिकेशन के बाद कोई भी खरीदी नहीं कर सकता, तो भी खरीदी किया है और वो खरीदी ऐसी जमीन की है कि जो समृद्धि मार्ग में जाने वाली है। तो क्या उसको सपना पड़ा था कि समृद्धि मार्ग में रास्ता जाना है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की मशीनरी उसके साथ है और उन्होंने ये सपोर्ट करके ये राधेश्याम अग्रवाल को 75 प्रॉपर्टीज खरीदी करने में सहयोग दिया है और वही प्रॉपर्टी फिर से वो समृद्धि मार्ग के लिए खरीद कर रहे हैं ज़्यादा पैसा देकर। किसानों को 10 रुपया मिला तो अग्रवाल को 10,000 मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट का आपको एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्यूमेंट उसने 42 लाख में खरीद किया एक किसान से और कई घंटों के बाद वही डॉक्यूमेंट वही जमीन उसने 3,94,94 लाख के लिए बेचा। यदि ये किसान को मिलता था तो किसान खुशी होता था। दलाल तो खुद के लिए सब पैसा नहीं रखेगा, ये प्रशासन के लोगों में बांटा जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है। इसीलिए ये जो समृद्धि लोगों की नहीं हो रही है, समृद्धि अधिकारी वर्गों की और दलाल लोगों की हो रही है, ये इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री ने कड़ी नज़र रखे, ये जो कुछ चला है इस पर कानूनी इलाज करना चाहिए। महादेव जानू पवार नाम का एक किसान है, वो प्रिमिटिव कम्युनिटी का यानी कातकरी जमात का आदमी है। उसे उसकी जमीन है समृद्धि मार्ग में गई है, उसके अलावा दूसरे से उसका वो जानू लड़कू पवार ऐसा उसका वारिस बनाया उसे मयत घोषित करके। वो खुद जाकर तहसीलदार को मिला, उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, इलेक्शन कार्ड दिखाया, मैं जिंदा हूँ, तो भी इस अधिकारी ने उसे कोई भी उसकी दखल नहीं ली, बेदखल किया और वो जमा उसने अनशन भी किया। उसे रात को 12 बजे उठा के कोई गुंडे लोग लेकर के उठा के उसको घर करके। हाँ, तो ये बात बहुत गंभीर है। ऐसी गंभीर बातें अच्छे प्रोजेक्ट में होना अच्छा नहीं लगता हमें, ये सरकार की भी बेइज्जत करने वाले प्रकार है। इसके बारे में सरकार ने गंभीर होना चाहिए और इसमें पानी का पानी और दूध का दूध करना चाहिए, ऐसा मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ।